हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैशन मेकअप एंड मी। तो मेरे हैंड से आप देख ही सकते हो कि आज का वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होगा। तो मैं जस्ट अभी अभी अपना ऑफिस का काम ख़त्म की एंड गेस व्हाट, मैंने बहुत सारे नहीं 4-5 लिपस्टिक्स मैंने ऑर्डर किए थे और वो जस्ट अभी अराइव हुए हैं। और वो लिपस्टिक के कलर्स इतने ऑसम हैं कि मैं बिना वीडियो बनाए रह ही नहीं पाई। मैंने सोचा मेरे ऑडियंस को मैं दिखा ही देती हूँ। मैंने सोचा था मैं संडे को बनाऊँगी, बट आज थर्सडे है, मैं आज ही बना ले रही हूँ। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ मेरा रिसेंट लिपस्टिक कलेक्शन। और ये लिपस्टिक ना मैंने सारे नायका से लिए हैं और सारे अफोर्डेबल है। कैन यू इमेजिन, सारे लिपस्टिक्स लाइक 200 से लेके 300 के रेंज में मैंने लिए हैं और सारे कितने ऑसम कलर है। तो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट मैंने लिया है ये मिस क्लेयर का ये पिंक शेड है, शेड नंबर इज 27। और ये जो आप लास्ट वाला देख रहे हो ना, ये शेड है। एंड ये मतलब इतना क्रीमी है एंड ये मीडियम टू फेयर स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड इसका ऑसम पार्ट ये है कि आपको इसके साथ दो साइड मिला है, एक तरफ लिपस्टिक और एक तरफ आपका ग्लॉस। तो अगर आप चाहे तो आप ग्लॉस यूज़ कर सकते हो और ना चाहे तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। बट अगर किसी को ज़्यादा ड्राई वाला नहीं पसंद है तो दे कैन यूज़ दिस ग्लॉस। सो इट्स ऑसम, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। इट्स नेम इज मिस क्लेयर कलर स्टे फुल टाइम लिप कलर। द सेकेंड वन इज ये वाला, तो ये मैंने कॉम्बो में लिया है। तो कॉम्बो में 2 कलर्स आए हैं, एक है वन इज वैम्पायर एंड सेकेंड वन इज मॉव स्टोरी। वैम्पायर शेड नंबर 1 एंड मॉव स्टोरी शेड नंबर 29 एंड दोनों है कंपनी फ्रॉम मैट क्रश। सो ये दोनों भी बहुत ही ज़्यादा, इसका ये सारे पिगमेंटेड है एंड बहुत ही अच्छा इसका मतलब कि क्रीमी टेक्सचर है, आप देख सकते हो। ये पहला वाला एंड दिस सेकेंड वन इज़ वैम्पायर, कितना ऑसम है। और अभी ड्राई होने के बाद देखिए ये स्मच प्रूफ भी है, कुछ नहीं हो रहा है इसको। तो इट्स अ गुड परचेस एंड मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी इसको एज अ कॉम्बो अभी नायका में जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं सारा कंपनी का नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप लोग इसको परचेस कर सकते हो। माय फोर्थ वन इज दिस वन, दिस इज़ फ्रॉम शुगर पॉप। शुगर पॉप कोई कंपनी है, आई वॉज नॉट अवेयर। तो मुझे यह बहुत क्यूट लगा क्योंकि इसका पैकेजिंग भी बहुत क्यूट है एंड इसका आई हैव टेकन मैट लिप कलर लॉन्ग लास्टिंग एंड शेड नंबर इज 90 एंड इस नेम इज गार्नेट। तो ये भी मैं सारा पिंक और रेड शेड में ही लेती हूँ। ये भी बहुत ऑसम पार्टी वेयर के लिए है, नाइट के लिए। और ये आप देख सकते हो, ये थर्ड वन ये शेड है दिस वन। एंड द लास्ट नॉट द लिस्ट, दिस इज इनसाइड का मैट लिप पिंक। तो ये पिंक कलर में है, तो आप देख सकते हो ये लास्ट वाला जो पिंक है ना, और मुझे पिंक कलर मेरे में बहुत सूट भी होता है एंड आई लव पिंक शेड्स। पिंक शेड्स क्या है कि आप डे में फिर आप नाइट में कभी भी वेयर कर सकते हो एंड मेरा ये बहुत ही ज़्यादा पिंक कलर फेवरेट है। ये है, ये ऐसा आएगा। और सारे लिक्विड लिपस्टिक है बिकॉज आई लव लिक्विड लिपस्टिक। जब से लिक्विड लिपस्टिक का ज़माना आया है मैंने नॉर्मल लिपस्टिक खरीदना ही छोड़ दिया है। मेरे आप अगर मेरे वार्डरोब पे देखोगे तो सारे आपको लिक्विड लिपस्टिक ही दिखेंगे। तो ये सारे मेरे अभी नए कलेक्शन में हैं, आप देख सकते हो। तो ये सारा मैं अभी न्यू ईयर के कलेक्शन में यूज़ करने वाली हूँ। अभी कितना कुछ आने वाला है और इसकी डिलीवरी, मैं बेंगलोर में रहती हूँ तो इसकी डिलीवरी बस मुझे, मैंने
एक दिन में ही मुझे डिलीवर हो गया है। एंड अभी क्रिसमस सीजन है, न्यू ईयर है, तो मैं सारा सब कुछ ट्राई करने वाली हूँ। एंड आप लोग भी इसको चेकआउट कर सकते हैं नाइका में। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा सारे कंपनी के नाम आपको लिख दूंगी। और आगे आपको कोई भी डाउट हो, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं आपके पास ऐसे ही वीडियो लेके आ पाऊँ। तब तक के लिए हैप्पी वीकेंड एंड गुड नाइट।